तो कैसा लग रहा है आपको हवा महल में आके? किसी को मारना पीटना नहीं है, सीधा चलना है डुगू। हाउ इज द फील? तो गाइज यहाँ पे खड़े होके ऐसा फील आ रहा है कि जैसे हम एसी के आगे खड़े हैं, मतलब बहुत थक चुके हैं और एसी चल रहा है यहाँ पे। इतनी ठंडी हवा आ रही है, इतनी ठंडी हवा आ रही है। पहले कूलर वो ऐसे, मतलब हवा महल के बारे में जब मैंने सुना था ना, मेरे को लगता नहीं था कि मतलब सच में ऐसी ठंडी ठंडी हवा आती है। मेरे बाहर उठते हुए दिख रहे हैं आपको, तो ये वैसा ही कुछ है। और हमारे फोन की स्टोरेज एक्चुअली कैमरा का, हम लोग कैमरा लेकर आए थे लेकिन कैमरे से शूट करना, अब वो कह रहे हैं कि नीचे के सेक्शन में शूट कर लो, टेरेस से मत करना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यार एक शॉट से। पधारो हमारे हे पधारो पारे दे पधारो। हट ही नहीं रही है, चिपक के खड़ी हो गई है बिल्कुल। इसको मजा आ रहा है यहाँ पे, माथे पता नहीं क्या लगा लिया सफेदी जी। हट, सिंदूर तो लगा ही रही है तू, चल सफेदी लगा रही हूँ, चल 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 चल। तो हम गाइस खाने वाले हैं मिर्ची बड़ा। ये भैया बोल रहे हैं यहाँ के फेमस है मिर्ची बड़ा, तो लेट्स सी। ये लीजिए और इसके साथ ये खाइए प्याज की, ये है प्याज के कोफ्ते। जा रहे हैं आमेर फोर्ट और ये सर हैं हमारे साथ जो हमें गाइड करेंगे, पूरा आमेर फोर्ट के बारे में बताएंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। और हम लोगों ने यहाँ पे, आप जीप से भी आ सकते हो, उसके कुछ चार्जेस हैं और 450 रुपये के आसपास, बट हम लोग पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि हमें सारा शूट करना था और थोड़ा पैदल भी चल के देखें। यहाँ रात को लाइट का प्रोग्राम होता है, ये लाइटें आई थी सुंदरी नदी के राय वसुंधरा जी। अब देखो बाउंड्री वाल, देखो उधर से बाउंड्री वाल से गिरा हुआ पूरा गांव, आगे जंगली जंगल मैंने बताया था, और इतना आदमी ने सड़कें कर ली जंगल था। ये चौकियाँ हैं वीरान, राजा ने सैनिक बैठ कर देख रहा करते ड्रम बजाते, गेट वाले चौक नहीं बजाते, वो नया बंदा आ रहा है सूरजपुर, ठीक है। और इसकी छपनी देखो बहुत बिना मुगलान ये ग्रेवा बल्ली ना से नीचे ले आया बिल्कुल नीचे के केंद्र पर आके केंद्र में लाइट है ब्रेक फेल हो गया लगता है नौ का पूरा बरसात है। ये देखो हम अपनी लिए खिड़की बेच ला जाए राधा जैसे अपन चल रहे हैं, अपन चल रहे हैं हां हां, तो पे सलामी देती है मेरा वेलकम। अच्छा अब तो ये बहुत ही खराब हो गया, तब तो ये बिल्कुल चमक रहा था जब मैं आई थी। कुछ नहीं, धीरे धीरे लोगों ने पैसे खाने तोड़ फोड़ करा के रखे। देखो कुछ टाइम चलो, फिर आप यहाँ समझा तो फिर मूल बना लेना, देखो ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे अपने पति को शूट कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे शूट कर रहा है। एक्चुअली हम एक दूसरे को शूट कर रहे हैं दोनों ही, अंकल अंकल थोड़े से पका हुए हैं लेकिन कोई बात नहीं, चलो चलो अंकल बुला रहे हैं। सो गाइज ये है जेल
और ये है गार्ड रूम जेल के पास बिल्कुल आगे जाके देख सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से। अभी तो फिलहाल इसको यूज़ में लिया हुआ है एज ए स्टोर रूम, मतलब चीज़ें लगाई हुई हैं, बट ये जेल है प्रॉपर। तो देख लो आप, ऐसे होती थी पुरानी जेल। और ये गार्ड रूम ओके गाइज, ये बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। शर्ट लोगों, शर्ट सही कर लो प्लीज। हाँ ठीक है साथ साथ मेरे हिवड़ा में नाचे मोर शूट हुआ है वो। और यहाँ पे बोल वचन नस्ले कुड़ी अच्छा, यहाँ काशी की रानी मणिकर्णी का, और यहाँ पे जोधा अकबर दीवाने खास दीवाने आप लाल पुपल इन साइड, और यहाँ पे आपने प्रेम रतन धन फाय की शूटिंग हुई है। अंकल चाय पियोगे? चाय चाय अंकल किसी की होती है आप बकरियां खाएंगी फन फ्लिप यू नीड फन फ्लिप बाबू वो पीछे चली गई वो बाबा गिर तो नहीं जाएगी नहीं 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 गिरती बकरियां पहाड़ पे चढ़ती हैं यार ये कितनी प्यारी है तुमको भी भूख लगी है दे रही हूँ देर ये क्या था गोल ले लो ना उससे सो गाइज आमेर किला देख के हम लोग आ चुके हैं और
लोगों ने, गाइज मैं आपको बता दूँ, राधा कृष्णा जी के तो बहुत सारे मंदिर देखे होंगे आज तक, बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोगों को बहुत प्यार भी है, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सुना है कि राधा मीरा और कृष्णा जी का मंदिर? तो आज हम पहली बार देखने जा रहे हैं मीरा और कृष्णा जी का मंदिर। अंकल कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, बट और अंकल अंदर शूट करने देंगे? चलो शूट भी करने देंगे, मोबाइल से करने देंगे ना, मोबाइल से करने देंगे, मोबाइल से क्लिप करेंगे तो आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, चलो अभी मैं आपको रास्ता दिखा दूँ। हम ऐसे रास्ते से जा रहे हैं फिलहाल, ये देख लो गाइस। की डोली, डोली हाँ, की पालना, पाल की, और ये है पालना। अच्छा, ये पालना जन्माष्टमी में होती है ना, हाँ। सरोवर में चलते हैं कुआ पूजन के लिए, तो इसको लेके जाते हैं। ओल्ड टाइम में राजप्रयाग इनको लेके जाते हैं। ऊपर देख जलमहल गाइस। चल स्टार्ट। तो गाइस आज का हमारा ट्रिप का जो था वो था आमेर फोर्ट, जलमहल, हवा महल, सिटी पैलेस, और कहाँ कहाँ घुमाया सर आपने? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, हाँ, एमआई रोड, हाँ। तो ये सारी चीज़ें आज कवर हुई हैं, और सुबह 10 बजे से हम लोग गए थे और सर ने हमें बहुत अच्छे से घुमाया है। अभी 8:05 हो रहे हैं, और कृष्णा जी को आप मतलब सर्च भी कर सकते हो इनका, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे, हाँ अगर आप गूगल पे सर्च करोगे जयपुर का बेस्ट ड्राइवर, अगर आप सर्च करोगे बेस्ट टुक टुक ड्राइवर इन जयपुर, कृष्णा टुक टुक ड्राइवर, और इनकी नेचर भी बहुत जॉली है, हम बिल्कुल भी बोर नहीं हुए, इन्होंने हमें इतना एंटरटेन किया है पूरे रास्ते, तो बहुत ही अच्छा ट्रैवल था। मॉर्निंग ही हमें बोला था कि हमने ब्लॉग शूट करना है तो हमें नॉर्मल तरीके से घूमना है, तो सर ने हमें बोला कि आप मैडम फ्रीली बैठ जाओ, आपको जैसे घूमना हो वैसे घूमना, और सीरियसली दिन आज का इतना ऑसम था, वेदर भी अच्छा था, मतलब आप होता है ना कि अगर अच्छे लोग साथ में होते तो ट्रिप अच्छा ही होता है, तो वैसा ही कुछ था आज का। और वैसे तो सर को नहीं बताया हमने हमारा रिलेशन का कुछ भी, बट उन्होंने गेस कर लिया कहते हैं तो ये जो इनका ये ऑटो है ये LGBTQ फ्रेंडली है गाइस आप इजीली आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत, सेफ्टी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं नंबर डाल दूंगी इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जाके कभी भी आपको जयपुर में घूमना हो तो बता दिया कि हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ करके, आपके साथ स्पेंड करके अपना समय बहुत अच्छा लगा, आप भी लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए आप मुझे फेमस करना जा रहे हैं, नमस्ते ऑल YouTube पीपल। चलिए जो भी जयपुर वाले हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल का प्राइस लिया है इन्होंने हमसे पूरा टूर कराने का, जो भी इन्होंने हमें घुमाया आज, बाकी 2 days का भी हमारा और है, तो लेट्स सी क्या होता है। फाइनली हम लोग रूम पे आ चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ही ज़्यादा वाला, और यशु एरी। तो फाइनली पहले मैं आपको रूम दिखाती हूँ, थोड़ा मैसी हो रहा है क्योंकि हम लोग अभी आए हैं, सुबह हम लोग निकल गए थे जल्दी में। ये देख लो रूम बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये कुछ यहाँ पे मुड्डे और ये है बालकनी। लेट मी एक्सप्लेन, इतना बैठ सकते हो आप, मुड़े पे बैठ सकते हो, यहाँ पे
और अगर घोड़े पर नहीं बैठना है तो यहाँ पे लेट भी सकते हो। अब वो मेरे को नहीं पता उसके कोने में छिपकली होगी तो वो मेरी गारंटी नहीं है। और इसे आप ऐसे खोल भी खोल सकते हैं क्या? इसे नहीं, वो लगाया हुआ है। अच्छा, नहीं खोल सकते, चलो। और ये कपड़े टांगने की जगह ये बेड है, सिंपल सा। ये चार मूर्ति लग रही है पीछे। ये है कुछ पता नहीं, साइड कॉर्नर वॉर्नर कुछ है जहाँ पे एक कैटल रखी है। ये है जहाँ 2 मिनट ना। और ये एक टेबल है, ये एक शीशा है। और ये आए हैं हमसे मिलने, इनका नाम है चमन और ये जयपुर के पास ही रहते हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पे मतलब एक दिन का स्टे लिया है हमारे साथ। पहला बंदा है जो नॉर्मल तरीके से मिलने आया है, जिसके हाथ पैर नहीं कांप रहे थे, थोड़ा अच्छा सा लगा। 1 घंटा वरना मुझे, मैं थक थक की हारी आई थी। उसको बेचारे को पानी पुनी पिला के नॉर्मल करना पड़ता है कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलो, और ये हमारे गेट पे ये लगी हुई हैं, ये देखो रूम नंबर इस टाइप से। क्यूट लग रहे हैं ये सारे गेट्स पे लगे हुए हैं ऐसे। अब आपको ऊपर टेरेस टेरेस पे दिखाते हैं आपको। चलो ऐसे हम लोग आ चुके हैं टेरेस पे। ये है ब्रेकफास्ट रूम, यहाँ पे आप गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो। यहाँ पे सारी गेम्स, यहाँ पे सारे गेम्स रखे हुए हैं। और ये ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बुक्स पढ़ सकते हो, यहाँ पे गिटार बजा सकते हो बैठ के। ये इनसे बजवाएंगे अभी गिटार। ये ब्लॉक वाले गेम्स हैं जो हमें नहीं आते, आ जाओ। और ये इनका बार है यहाँ पे छोटा सा, ये सिटिंग एरिया है। और मैं आपको बाहर भी दिखा देती हूँ। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. तो अब हमें चमन कुछ बजा के दिखाएंगे और कुछ सुना के भी दिखाएंगे। चलो चलो चलो। और एक एक सॉन्ग गाड़ियों की ऐसी दौड़, भी दिल दौड़ता है। देख ले मेरी इन आँखों में, मैं कैद कर दूँ हर वो पल तेरा, तेरी ₹250 में सिर्फ 6 मोमोज दिए गरीबों ने। मोमोज नहीं, स्प्रिंग रोल्स। 6 मोमोज, वो भी इतने इतने। मोमोज नहीं है, मोमोज नहीं है, इतने इतने स्प्रिंग रोल थे। शर्म भी नहीं आई देखते हुए, शर्म भी नहीं आई रखते हुए। भी इस बंदे ने सोचा डूब के मर जाऊं, 6 स्प्रिंग रोल दे रहा हूँ ₹250 में, कुछ तो शर्म करे। ₹250 में कम से कम 6 8 तो दे सकता था। बाहर देखो गाइस, तूफान आ चुका है बहुत तेज। इसे कहते हैं इंडिया का घर, इसे कहते हैं गांव का घर, इसे कहते हैं फॉरेन कंट्री का। सो गाइस, ये है अपना क्या बोलते हैं इस, ये है हवा महल। ठीक है, ये है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये देखो घर तो ये है। अरे फ्रंट लुक करिए, शूट करिए, ये है बना दो एकदम गेटवे से जाने का अंदर। अरे एक नंबर लग रहा है भाई, एक नंबर पीछे से भी पूरा कवर अप है। अब हम इसको गिराने जा रहे हैं। बैन दो ना। ना गिराऊं? नहीं कर रहा है। बैन दो ना। बाबू बाबू मामू।